दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 जुलाई की करंट अफेयर, जो कि 7 जुलाई को पूरे दिन का जो भी शेड्यूल था उसके अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग्स हुई हैं, इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग्स के बाद अवार्ड्स मिले हैं, अवार्ड मिलने के अलावा जो भी ट्रीटीज़, पॉलिसीज जो भी साइन की गई हैं वो सारी की सारी आज हम डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस न्यूज़, हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट आज की दो न्यूज़ आ रही हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है कि पहले इंडिया ने बैन किया था टिकटॉक को और चाइनीज़ ऐप को, अब US भी डिसाइड कर रहा है चाइनीज़ ऐप और टिकटॉक को या जो भी इनकी चीज़ें हैं इनको बैन करने के लिए। वही सेम रीजंस बताए जा रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी रीजंस टॉप पर हैं और चाइना कहीं ना कहीं इन चीज़ों को चुराने का प्रयास कर रहा है। माइक सेक्रेटरी, US सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं जो माइक पॉम्पे, इन्होंने फॉक्स न्यूज़ वाशिंगटन को बताया कि वेरी सीरियसली दे वॉन्ट टू बेसिकली बैन द चाइनीज़ ऐप, चाइनीज़ ऐप को ये बैन करना चाहते हैं। इसके अंदर चाइना के द्वारा चल रहे सेलफोन्स को लेकर भी इन्होंने काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स दी हैं जिसके अंदर ये उनके लिए भी कुछ बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये था हमारा सबसे पहला पॉइंट, जिसके अंदर अगर बात की जाए तो अभी तक 175 मिलियन जो है डाउनलोड हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जो US है उसका मानना ये है कि जॉर्ज फ्लॉयड की जो डेथ थी, डेथ के बाद में अननेसेसरी जो उल्टे सीधे शोर मचाए और वायरल की गई न्यूज़ और उल्टा सीधा न्यूज़ करके पूरे जो US अमेरिका के अंदर आग जनी हुई थी उसके पीछे कहीं ना कहीं टिकटॉक को रिस्पॉन्सिबल मानता है। इस चीज़ को लेकर उन्होंने पहले भी जो है गूगल को लेकर डांट लगाई थी कि गूगल क्यों ऐसी ऐप्स को चाइना की सपोर्ट कर रहा है और ऐप्स को सपोर्ट करने के साथ साथ उनको प्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव मैनर में, तो गूगल पर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे थे। बट फाइनली अब ये डिसीजन लिया गया है कि कुछ ही समय के अंदर आपके सामने एक न्यूज़ आ सकती है कि टिकटॉक और ये सारी ऐप्स चाइनीज़ की US से भी बंद हो गई है। फाइनली अगला एक न्यूज़ आता है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ये 6 तारीख का है जिसके अंदर चाइना सप्लाई करेगा 4 ड्रोन जो अटैक भी कर सकते हैं किसको, पाकिस्तान को। ऑब्वियसली ये इनका एक प्लान बी है, प्लान बी का मतलब ये है कि प्रेडेटर्स की तरह ये सामने आएंगे। प्लान बी के अंदर मतलब सामने से आमने सामने की लड़ाई करने में इनकी औकात नहीं है चाइना की और ना ही पाकिस्तान की, तो अब ये चोरों की तरह भारत में घुसने का प्रयास करेंगे और आर्म्ड ड्रोन को एक्सपोर्ट मिलने के बाद ये आतंकवादियों की सपोर्ट से भारत पर कोई भी प्रयास करेंगे घुसने का। बट इन्हें नहीं पता कि भारत में कितनी चौकसी है और कितनी प्रकार से तैयारी है, हालांकि इसके लिए बहुत ज़्यादा भारत जो है तैयारी कर रहा है। ये जो सारा प्रोसेस है चाइना के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 60 मिलियन का चाइना का जो 60 बिलियन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसमें बलूचिस्तान, ग्वादरपोर्ट यहाँ पर उसकी डायरेक्ट नज़र है और नज़र होने की वजह से उसे प्राप्त करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहा है। लेकिन होता है ना कि गड्ढे में पैसे डालना, चाइना इस समय सेम वही कर रहा है, गड्ढे में पैसे डाल रहा है, ना तो उसे पाकिस्तान की सपोर्ट से कुछ मिल पाएगा ना ही और कुछ, बस सिर्फ और सिर्फ घाटे के सौदे में हाथ मार रहा है जिसका कोई बेनिफिट नहीं होगा और इसकी कोई वैल्यू भी नहीं कि हाँ भाई कहीं यूनाइटेड नेशंस के आगे कुछ बोल पाए, तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि चाइना ने पहले भी भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान को पहले भी काफी सारे ड्रोन या पहले भी काफी सारी अटैक करने के लिए आर्म्स दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं जो कि डायरेक्टली टेररिस्ट के पास मिले हैं, लेकिन फिर भी ये इनका एक और नया प्रयास है जो कहीं ना कहीं चल रहा है। मैंने आपको कल एक न्यूज़ पढ़ाई थी, न्यूज़ के अंदर मैंने क्लियर बताया था कि चाइना से हमें इतना ज़्यादा अभी खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि फाइनली हमारी ये 2 किलोमीटर पीछे चले गए हैं गलवान वैली से, लेकिन इनका कोई ना कोई प्लान बी ज़रूर होगा। आज वो प्लान बी भी आपके सामने आ गया कि अब डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आर्मी को घुसाने की कोशिश करेंगे और भारत को तंग करने की कोशिश करेंगे और आतंकवाद का जरिया अपनाएंगे। और हाल ही में इन्होंने अभी कल ही इन्होंने जो है आर्म्ड ट्रीटी के अंदर आर्म्ड ट्रेड ट्रीटी में साइन कर लिया। इसका सिंपल सा रीज़न था, पहले ये अपनी यूनिलैटरलिज्म के अंदर चल रहे थे, अपना एकलवाद चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे भारत की और बढ़ती हुई शक्तियों को देखा तो चाइना डर गया और डरने के बाद अब मल्टीलेटरलिज्म के अंदर, बहुपक्षीयवाद के अंदर आने का अब डिसीजन लिया और कागज जमा करा दिया और 90 दिन के अंदर अंदर इसको वहां पर परमिशन मिल जाएगा।
तो अब आते हैं हमारे करंट अफेयर के पहले टॉपिक पर। इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड ने मिलकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है ताकि मैरीटाइम रिलेशंस को बूस्ट किया जा सके, समुद्री जलीय जीवन और उससे संबंधित सुरक्षाओं को बहुत अच्छे से ध्यान दिया जा सके। इसको कॉम्प्रिहेंसिव जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, जाहिर सी बात है ये विजुअल ट्रीटी हुई है जिसके अंदर दोनों देशों में सिग्नेचर किए गए हैं अपने पोर्ट्स को लेकर। इसको जो मतलब दस्तखत किए गए हैं इस पर आईसीजी डायरेक्टर जनरल कृष्णा स्वामी नटराजन, हेड ऑफ इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड वाइस एडमिरल अन कुर्निया इन द प्रेजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इंडोनेशिया प्रदीप कुमार रावत एंड मुकम्मद रिजकी सफारी मिनिस्ट्री काउंसलर ऑफ इंडोनेशिया एम्बेसी इन न्यू दिल्ली इंडिया ऑफिशियल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इन सभी के सामने इनकी प्रेजेंस में इसको साइन किया गया है। इसके की ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि एंगेजमेंट की जाए ज़्यादा, लॉ एनफोर्समेंट को तरीके से अप्लाई किया जाए, मैरीटाइम सर्च किया जाए, बचाने की कोशिश की जाए और अगर कोई टेररिज्म एक्टिविटी है उसको रोका जाए, प्लस पॉल्यूशन को कम करने का प्रयास किया जाए जो समुद्र के अंदर फैलता जा रहा है। इसका एक और रीजन है सेफ गार्ड प्रोवाइड करना, स्वच्छता प्रोवाइड करना दो नेशंस के बीच में। इसका इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता है, करेंसी है इंडोनेशियन रुपिया और प्रेसिडेंट है जोको विडोको। अगली न्यूज आ रही है हमारे पास, अगला का टॉपिक है हमारे पास, न्यू बिल्डिंग ऑफ IARI झारखंड नेम्ड आफ्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बिल्डिंग का नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 6 जुलाई का न्यूज है, एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक बिल्डिंग है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट गुरिया कर्मा हजारीबाग झारखंड के अंदर, जिसका नाम अब रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फाउंडर जो है इसके भारतीय जनसंघ है ऑफ जो ये फाउंडर थे भारतीय जनसंघ के ऑन द इवेंट ऑफ बर्थ एनिवर्सरी। इसके की पीपल ये सारे के सारे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनके आगे पोस्ट आप स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा, पुरुषोत्तम रूपाला एंड कैलाश चौधरी, डॉक्टर त्रिलोचन महापत्रा, इसके बाद अशोक कुमार सिंह, इन सभी की प्रेजेंस में इसको साइन किया गया। कंट्रीब्यूशन है IARI इन एग्रीकल्चर। IARI न्यू दिल्ली पूसा इंस्टीट्यूट प्ले मेजर रोल इन द नेशनल सफिशियंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड सफिशियंसी के लिए। इसी प्रकार से पूसा इंस्टीट्यूट कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंदर पंजाब और हरियाणा और यूपी के रीजन में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल होगी। तीसरा पॉइंट इसमें आता है सपोर्ट करना है डेवलपमेंट को इस सेक्टर के अंदर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एस्टैब्लिश कर चुके हैं ऑलरेडी 2 एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक झारखंड में और एक आसाम में। मेजर पॉइंट क्या है इसका कि 2020-21 के बजट के अंदर गवर्नमेंट ने अब तक का सबसे बड़ा सैंक्शन इनके लिए, बड़ा जो एलोकेट किया है अमाउंट वो है 2.83 लाख करोड़, हाईएस्ट एलोकेशन एवर है, अब तक का इससे बड़ा एलोकेशन नहीं हुआ है। इससे एग्रीकल्चर इरिगेशन और रूरल डेवलपमेंट में लगाया जाएगा। 16 एक्शन प्लान्स हैं जो कि डबल करेंगे किसानों की, फार्मर्स की इनकम को। किसानों की इनकम तेज होगी तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा हिस्सा सिक्योर होने के आसार हो जाएंगे, जिससे कि प्रॉब्लम्स आगे जो बढ़ रही हैं या बढ़ती जा रही हैं उनमें एक सेक्शन को सुकून मिले, एक सेक्शन को पूरी सहूलियत मिले। अगर बात करें कि भाई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर नई स्कीम्स लाई गई हैं अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसके अंदर 1 लाख करोड़ रुपया पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के लिए पास किया जा चुका है, एलोकेट किया जा चुका है एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए। और इसके अलावा ग्रोथ पैकेजेस जो दिए गए हैं वो फिशरीज के लिए, एनिमल हस्बेंड्री, हर्बल फार्मिंग, बी कीपिंग यानी मधुमक्खियों के पालन के लिए पहले ही अनाउंस किया जा चुका है। यानी कि सरकार इस समय पूरे प्रयास में है कि जो आर्थिक पैकेज, जो राहत पैकेज ये प्रोवाइड कर रही है इसे ग्राउंड लेवल पर हर एक आदमी, हर एक इंसान तक पहुंचाया जा सके। अब ये रियलिटी के अंदर कब पता चलेगा, जब असलियत में लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी और आने वाले टाइम में 2 साल या 3 साल बाद इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी तो सिर्फ पॉलिसीज निकाली जा रही हैं, एलोकेट किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वर्क कितना है, फिर बाद में कितना करप्शन होगा, कितने लोग इसके अंदर हस्तक्षेप करेंगे, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी तक के लिए बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, बस कामयाब होने की उम्मीद है। यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पुरुषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी, जो हमने पहले भी नाम पढ़े हैं। अगर बात करें ICAR की यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की,
तो इसके सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र सिंह तोमर हैं, डायरेक्टर जनरल है त्रिलोचन मोहपात्रा और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली के अंदर है। अगली न्यूज आती है, असम गवर्नमेंट अपग्रेड कर रही है देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। किस चीज में अपग्रेड कर रही है? नेशनल पार्क एमेड कोल माइनिंग रोक के अंदर। असम ने डिसाइड किया है 111.942 स्क्वायर किलोमीटर का देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको नेशनल पार्क बनाने की, जो कि एलोकेट करता है बड़े हिस्से के अंदर। कहाँ के बड़े हिस्से में? देहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व के अंदर। स्प्रेडिंग अक्रॉस, जहाँ पे फैलता जा रहा है, कोल एंड ऑयल रिच डिस्ट्रिक्ट है अप्पर आसाम के अंदर, अप्पर आसाम के अंदर जिसमें डिब्रूगढ़ आ जाएगा, तिनसुकई आ जाएगा और शिवासागर आ जाएगा। डिसीजन फॉलो करेगा इन सभी सेक्शंस के अंदर जिसमें नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ NBWL अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये MOEFCC, कंडीशनल क्लियरेंस ऑफ कोल माइनिंग प्रोजेक्ट बाय कोल इंडिया लिमिटेड CIL, इसके अंदर 98.59 हेक्टेयर जो जगह है देहिंग पटकरी एलिफेंट रिजल्ट की, जो कि वर्चुअल प्रोटेस्ट इन द स्टेट दिखाई दे रहा था, जो कि रिजल्ट होगा अब इसे फाइनली अपग्रेड कर दिया गया है और नेशनल पार्क के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब अगला पॉइंट है कि इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो नोटेबली ये ध्यान देने लायक बात है कि देहिंग पटकई जो है अमेज़न ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो सबसे लंबे लार्जेस्ट स्ट्रेच के अंदर फैला हुआ है, रेन फॉरेस्ट है इंडिया के अंदर, और ये माना जाता है कि अकेला लास्ट रिमेनिंग कंटीजियस पैच ऑफ लो लैंड रेन फॉरेस्ट एरिया है असम का लास्ट। इसके बाद बिसाइड एट एशियाटिक एलिफेंट लेपर्ड हुलो गिबन्स पेंगोलिन्स एंड बियर्स देहिंग पटकई इज ऑल्सो होम फॉर 200 बर्ड स्पीशीज, यानी काफ़ी सारे एनिमल, काफ़ी सारे बर्ड्स, काफ़ी सारे यहाँ पे रोडेंट्स पाए जाते हैं जिनकी वर्ल्ड वाइड में एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, लेकिन भारत में इन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बार बार किसी ना किसी रीजन से अफेक्ट होते जा रहे हैं, कोल माइनिंग से अफेक्ट हो रहे थे, तो अब इनको प्रिजर्व करने का प्रयास किया जाएगा। इन ऑर्डर टू एक्सपीडिएट द प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग देहिंग पटकई इन टू नेशनल पार्क, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल प्रिपेयर, यानी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगी पब्लिक हियरिंग के लिए, जिसमें नेसेसरी एक्शंस होंगे, क्या अपग्रेडेशन होगा, इसकी फर्दर डिटेल्स जो होंगी उसी ड्राफ्ट के अंदर आएंगी। स्टैटिक पॉइंट्स की बात की जाए तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्टेड एरिया है जो परमिट करता है कुछ एक्टिविटीज को जिसके अंदर ग्रेजिंग हो सकती है, सच एज ग्रेजिंग, बट नेशनल पार्क रिक्वायर करता है कंप्लीट प्रोटेक्शन स्टेटस को, किसका? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसमें अगर एक सेक्शन, यदि कोई एरिया अगर एक बार रिजर्व सेक्शन में आ जाता है, सेंचुरी का हिस्सा बन जाता है, तो किसी प्रकार की और अन्य गतिविधि जो कि किसी भी प्रकार से जानवरों के लिए नुकसानदायक होगी या वाइल्ड लाइफ के लिए नुकसानदायक होगी, उस पर प्रॉपरली रोक लगाई जाएगी। इसे डिक्लेयर किया गया था 2004 के अंदर और पोस्ट अपग्रेडेशन के अंदर इसे छठा नेशनल पार्क माना गया है आसाम में। इसके अलावा 5 और हैं, जैसे काजीरंगा, नामेरी, मानस, औरंग और डिब्रू सैकोवा। ये नाम पढ़ने में अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो तो आप इसे प्लीज सही प्रोनाउंस कर लीजिएगा, कई नाम ऐसे हैं जिनसे फेमिलियर इंसान नहीं होता है। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो सरबंदा सनोवा है, कैपिटल दिसपुर है, गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। अगली न्यूज आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है फंड्स किस चीज के लिए? हर घर के अंदर जल जीवन मिशन पहुंचाना है, टैप वाटर पहुंचाना है, कहां पर? हिमाचल और गोवा के अंदर। प्रधानमंत्री ने 2019 में जल जीवन मिशन की एक एम रखा था जिसके अंदर हर घर के अंदर टैप का कनेक्शन पहुंचेगा, जिससे 18 लाख घरों में क्या मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा 2024 तक। इसके लिए सरकार ने अलग अलग जगह पर फंड्स प्रोवाइड किए, जैसे कि ओडिशा में प्रोवाइड किए, मेघालय, आसाम, बिहार में प्रोवाइड किए, इसके बाद मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल ने भी काफ़ी बड़ा फंड रिसीव किया है, एलोकेट हुआ, इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, त्रिपुरा और अब तेलंगाना तक इसार फैला हुआ है। इन सभी सेक्शंस में टैप वाटर की फैसिलिटी के लिए एलोकेशन प्रोवाइड करने के बाद
अब हिमाचल प्रदेश और गोवा क्या नंबर आया है जिसके अंदर पूरा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और हिमाचल प्रदेश को प्रोवाइड करने हैं टैप कनेक्शंस पूरे 2022 तक, जिसके लिए 326 करोड़ का फंड दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी 20 और 21 के आधार पर, जिसे 22 तक पूरा करना है। इसको पूरा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत और चीफ मिनिस्टर हैं इसके हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, इन दोनों के बीच में बात हुई और एलोकेशन की कि कितना एलोकेट किया जाएगा 326 करोड़, ताकि ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज मिले। और इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ मदद करी, मदद के बाद टोटल हुआ 371 करोड़। हिमाचल प्रदेश प्लान कर रहा है 100% कवरेज करने की अगस्त 22 तक यानी 2022 तक, ताकि ज्यादा से ज्यादा 2024 के जो गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है नीति आयोग वाले, वो पूरे किए जा सके। आउट ऑफ 17.04 लाख रूरल हाउसहोल्ड इन द स्टेट, जिसमें से 9.52 लाख यानी 55% की जो आबादी है ऑलरेडी प्राप्त कर चुकी है टैप वाटर, और बचे हुए जो सेक्शन है जिसमें 7,52,000 हाउसहोल्ड है, जिनको अब आने वाले समय के अंदर 2021 में टैप वाटर की फैसिलिटी मिल जाएगी और इन्हें बार बार तंग होना नहीं पड़ेगा। इसी के बाद हिमाचल प्रदेश को एलोकेट हुए हैं कितने, 429 करोड़ 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के लिए, और 50% जो है यूज किया जाएगा वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। खाली पानी ही नहीं, इन्हें वहां पे सैनिटेशन की फैसिलिटी के अलावा और भी काफी सारी फैसिलिटीज देनी पड़ेगी रिलेटेड टू वाटर, ताकि इनको रिजर्व बनाने में भी सहायता मिले और टैंकी लगाना जैसे और ये सारे कामकाज, ताकि प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। इसी तरीके से गोवा के अंदर भी प्लानिंग हो रही है। गोवा प्लान्स टू प्रोवाइड 100% सेम वही फाइनेंशियल जो है पूरी तरीके से हाउस होल्ड टैप फैसिलिटी कनेक्शंस मिलना है रूरल एरियाज के अंदर 2021 तक, जिसे रिसीव हुए हैं 12.40 करोड़ रुपए का फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें भी सेम यही चीजों को फॉलो किया जाएगा, जिसमें हर घर जल इसका टैगलाइन होगा, जिसमें सभी घरों तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, मॉनेटरी भी और आपके बाकी फिजिकल एफर्ट्स भी, ताकि आप जितने से ज़्यादा काम कर सकें उसको अप्लीकेबल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। अगर बात करें JJM की, तो इट एम्स टू इनेबल एवरी रूरल हाउस होल्ड टू हैव एश्योर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर एट अ सर्विस लेवल ऑफ 55 लीटर पर कैपिटा पर डे, 55 लीटर प्रति पर्सन पर डे का उन्हें मिलना चाहिए। इस मिशन का टारगेट है कि जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी रूरल एरियाज हैं, उनको ड्रिंकिंग वाटर और सेफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन की फैसिलिटी मिल सके। इसके लिए 3.6 लाख करोड़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है, ताकि सारे के सारे कंट्री वर्ल्ड, अपने जो इंडिया का कंट्री है, उनकी सभी स्टेट्स में बेनिफिट प्राप्त हो सके। अगली न्यूज आती है, इंडिया रेजेस 1 place to 34th इन JLL। अब JLL क्या है वो अभी हम बताते हैं। जॉन्स लैंग लासेली ये एक एडिशन निकालते हैं, इसमें 11th एडिशन आया है ग्लोबल रियल स्टेट ट्रांसपेरेंसी का। ग्लोबल रियल स्टेट ट्रांसपेरेंसी का मतलब समझिए, भारत में पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग प्राइवेट या अलग अलग तरीके से फाइनेंसिंग के थ्रू, बैंक से लोन लेने के द्वारा अलग अलग पर्ची टोकन सिस्टम ले करके बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करके मकानों के लिए अप्लाई करते हैं, तो पहले क्या होता था कि मकानों के पैसे लेने के बाद बहुत सारी कंपनी थी जो पैसा देने से या मकान बनाकर देने से मना कर देती थी, फेलियर हो जाती थी, बैंकक्रप्ट हो जाती थी, अपने आप को कुछ इस तरीके से दिखा देती थी कि उनके पास पैसा नहीं है, जिसके अंदर बहुत भारी मात्रा में उन अपार्टमेंट्स में उन कंपनीज के द्वारा आम जनता को नुकसान पहुंचता था। बहुत सारी कंपनी ऐसी थी जो टोकन सिस्टम निकालती थी दिखावे के लिए और अपने ही लोगों को मकान दे देती थी। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति को घर मिले, आवास मिले, रहने का स्थान मिले, उसके लिए सरकार ने काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करी। इस ट्रांसपेरेंसी को नोट किया है जॉन्स लैंग लैसले यानी कि JLL इंडिया के द्वारा, जिसमें इन्होंने सारे देशों को 99 देश इन्होंने कंडक्ट करे, 199 देश हैं, टेरिटरीज हैं, 163 इसमें शहर हैं, सब चीजों को कंडक्ट करने के बाद भारत को रैंकिंग दी। इस रैंकिंग में भारत ने 34वां
स्थान प्राप्त किया है और टोटल स्कोर प्राप्त किया है 2.69 का, 2.69 का स्कोर प्राप्त किया है, यानी काफी अच्छा स्कोर प्राप्त किया है सस्टेनेबिलिटी का। एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं, बात करें तो सबसे ऊपर यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं जहां पर बहुत अच्छी रैंकिंग है। भारत के नेबरिंग कंट्रीज में आज भी ट्रांसपेरेंसी रेशियो बहुत कम है और 73% जो पाकिस्तान की है 73rd पोजीशन है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी में ज्यादातर फेलियर के केसेस पाकिस्तान में आते हैं। यही परिस्थिति भारत की भी कुछ टाइम पहले थी, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, मात्र 6 साल पुरानी बात है कि SRS कंपनी के द्वारा भारत में बहुत सारे लोगों ने मकान लिया। SRS कंपनी ने 8 बिल्डिंग्स बनानी थी जिसमें पर बिल्डिंग के पर फ्लोर पर 5 फ्लैट बनने थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, SRS ने फ्लॉप कर दिया। अब SRS ने प्लान हैंडओवर कर दिया और लॉन्ग ड्यूरेशन चलने के बाद भी फंड्स ना होने की वजह से नहीं बना पाई और फेलियर हो गई, जिसके बाद इसका अब इसी डील के आधार पर, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, स्टेट गवर्नमेंट ने इस केसेस की हियरिंग करी और हियरिंग करने के बाद इस प्लान को ही ट्रांसफर कर दिया दूसरी कंपनी के पास जो उसे पूरा करके देगी और जल्द ही लोगों को मकान या फ्लैट्स अलॉट कराए। ये बहुत अच्छा सिस्टम है, इससे पहले लोग आत्महत्या कर देते थे क्योंकि उनके पास मकान तो होते नहीं थे और जमा पूंजी जो थी वो सारी की सारी कंपनी धोखाधड़ी के नाम पर लूट लेती थी। तो ये इंडियन कंपनी, इंडिया के बेसिकली रियल जो ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है इसके अंदर भारत का क्या है सेक्शन है। गवर्नमेंट एफर्ट्स आर पेइंग ऑफ, गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं जो लास्ट 3 ईयर से काफी ज्यादा चलते जा रहे हैं नॉर्म्स पर, ताकि ध्यान दिया जा सके रियल एस्टेट के प्रोफेशंस के ऊपर। इसी बीच में सरकार ने बेनामी संपत्ति एक्ट हो गया, रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट हो गया 2016, इसके बाद GST हो गया, इसके बाद बेनामी संपत्ति ट्रांसैक्शन अमेंडमेंट हो गया, इंसॉल्वेंसी और बैंकक्रप्सी जिसके अंदर ज्यादातर कंपनी अपने आप को दिखाकर पैसा गड़प जाती थी उसके अंदर, और इसके बाद लैंड रिकॉर्ड का पूरा डिजिटलाइजेशन हो गया ताकि पता रहे कहां पर है कहां पर नहीं और कैसे धोखाधड़ी हो रही है। इन सभी चीजों पर भारत सरकार ने काफी नकेल कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का वैसे भी ऑब्जेक्टिव है हाउसिंग फॉर ऑल, 2022 तक सरकार चाहती है कि जो भी केपेबल है, जिनके पास क्षमता है, जो अपना एक्सपेंस करके अपने तरीके से सरकार से मदद प्राप्त करके मकान ले सकते हैं, उनको 2022 तक का यह सपना पूरा करके देना है, जिसके लिए रेगुलेशंस काफी ज्यादा मदद करेंगे। भारत की रैंकिंग 2018 में 35 थी, 2018 के बाद 2016 के अंदर 36 थी और 2014 के अंदर 39 थी। हम पर डे इस ट्रांसपेरेंसी को लेकर तैयार कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडेक्स प्रिपेयर करने के लिए 210 इंडिकेटर्स हैं, जिसमें से कॉस्ट को मिलाकर उन सभी इंडिकेटर्स को फोकस किया जाता है। इन इंडिकेटर्स के 14 टॉपिक बनाए जाते हैं और इन 14 टॉपिक को 6 फैक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। 6 फैक्टर्स कौन कौन से है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, मार्केट फंडामेंटल है, गवर्नेंस लिस्टेड ऑफ व्हीकल है, रेगुलेशन कैसा है, लीगल फ्रेमवर्क कैसा है, ट्रांसैक्शन प्रोसेक्शन कैसा है और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी क्या है। इन सभी चीजों के आधार पर 1 से 10 के बीच में रैंकिंग होती है। कैटेगरी वाइज हाई ट्रांसपेरेंसी किसकी है, 11 से 33 जहां पर होगा वहां ट्रांसपेरेंसी जो होगी वो थोड़ी कम होगी, 34 से 59 यानी 34 से 59 के अंदर सेमी ट्रांसपेरेंट है, यानी भारत के अंदर ये जो रेशियो मिला है ये सेमी ट्रांसपेरेंसी है याद रखिएगा। 60 से 80 की बात की जाएगी तो 60 से 80 में लो ट्रांसपेरेंसी, जबकि 81 से नीचे जो है ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, बेईमानी धोखाधड़ी बहुत ज्यादा है। अब अगर JLL की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, प्रेसिडेंट और CEO जो है क्रिश्चियन ओलब्रिक हैं, CEO और कंट्री हेड हैं जो रमेश नायर हैं, हमारे देश के जो कंट्री हेड हैं। इसके बाद भारत ने नेपाल की मदद करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 1.94 करोड़ रुपए सेंक्शन किए हैं, जिससे नेपाल के अंदर स्कूलों को सुविधा मिलेगी और नए स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। याद रखिएगा भारत पहले भी ऐसी काफी मदद कर चुका है, एक डिजास्टर की वजह से काफी ज्यादा स्कूलों का नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से भारत अब इनकी फंडिंग कर रहा है। अगर बात करें तो 4 मंजिला इमारत बनेगी जो कि भारत के असिस्टेंस में बनेगी, 1.94 करोड़ रुपए पास किए गए हैं, नेपाली करेंसी के अनुसार 31.13 मिलियन है जो कि बहुत बड़ा नंबर है। ये जो बन रहा है नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोग्राम, जिसकी इनॉग्रेशन की गई है सप्तमय गुरुकुल संस्कृत विद्यालय के नाम से, लोकेट होगा इलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर नेपाल के अंदर और बूस्ट करेगा स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए। यहां पर उन्हें मॉडर्न एजुकेशन संस्कृत के अलावा मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी, संस्कृत होगी, वैदिक मैथ्स होगा,
यूनिक क्वालिफिकेशन प्रोवाइड की जाएगी ताकि इनको प्रोग्रेस मिले। अभी हाल ही में भारत के साथ में नेपाल के बहुत बुरे संबंध हो गए थे, लेकिन बुरे संबंधों के बावजूद भारत ने 2009 के अंदर भी ऐसे कई स्कूलों का गठन किया है। उस प्रोसेस को भारत अपनी ईमानदारी के साथ रोकना नहीं चाहता। भारत चाहता तो अगर इन संबंधों को देखते हुए रोक सकता था, लेकिन नहीं रोका। 2015 का अर्थक्वेक आया जिसमें 9000 लोग मारे गए, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब भारत इनकी मदद कर रहा है काफी तेजी से। अब ये ध्यान देना है कि 2009 के अंदर पहला पॉलिटेक्निक जो कॉलेज था बनाया गया था नेपाल टेक्निकल एजुकेशन के अंदर, जहां पर 3 साल का इंजीनियरिंग स्ट्रीम मिलेगा। और ये जो सारा का सारा प्रोसेस चल रहा है ये मनमोहन मेमोरियल पॉलिटेक्निक MMP के द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 32 करोड़ रुपए है। अब कैपिटल की बात करते हैं तो काठमांडू है, और अभी तक के इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खागड़ा प्रसाद शर्मा ओली हैं, प्रेसिडेंट जो हैं विद्या देवी भंडारी हैं। हालांकि अभी इन्होंने सीट अपनी बचा ली है, कुछ ही समय में जाने वाली थी लेकिन अब वो रुक गई है। अभी उससे संबंधित और कोई नई डिटेल आती है तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओला एंटर करता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ में, किसके साथ में? फोनपे ऐप के साथ में। फोनपे ऐप एक डिजिटल माध्यम है पेमेंट का, जो कि कस्टमर को सुविधा प्रदान करेगा। इन्हें पूरे के पुराने कस्टमर्स की पहचान होने लगेगी, पुराने कस्टमर्स को सुविधा प्रोवाइड होगी और फर्दर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सिग्निफिकेंस क्या है कि अकाउंट से डायरेक्ट पे अकाउंट में होगा, कोई चोरी नहीं होगी। प्लस इसके बाद में बुकिंग और पेमेंट जब डायरेक्टली अकाउंट में होगा तो सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी लोगों को। ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी बहुत सारी कंपनियां बैंक्स के साथ में अलग अलग ऐप्स के साथ में अपना कोलैबोरेशन कर रही है। इससे ये भी दिख रहा है कि एक तरफ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि काफ़ी सारी कंपनियां डाउन हो रही है, इंडिविजुअल अपने बिहाफ पर आगे नहीं बढ़ पा रही, तो ये सुविधा प्रोवाइड करने से थोड़ा सा अट्रैक्ट किया जाए कस्टमर्स को ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना आए। इस सर्विस से काफी लोगों को बेनिफिट मिलेगा। इस सर्विस के अलावा पहले भी UPI फैसिलिटी जो है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड किया गया है। अवेलेबिलिटी ऑप्शन जो है अभी तक सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए है, धीरे धीरे ये iOS यूजर यानी एप्पल का एप्पल इंफॉर्मेशन के लिए भी हो सकती है। इसको अनाउंस किया गया है, कस्टमर कैन अवेल अप टू 200 रुपीज कैशबैक और 2 फ्री राइड या 2 राइड फर्स्ट 2 राइड जो होंगी वो व्हेन पेड बाय, जो पहली 2 राइड होंगी उन पे 200 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा। रिसेंटली इन्होंने भी राइड सेफ इंडिया का एक प्रोग्राम चलाया था जिसके अंदर टेम्परेचर नापना, बुखार नापना और उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी सभी चीज़ों को नोटिस करना, ताकि 1% अगर कोई कोरोना वायरस का पेशेंट है तो उनको पहले ही डिनाई किया जाए। इसके अंदर गाड़ियों की सेफ्टी, डॉक्टर्स के द्वारा राइडर्स का, जो इनके ड्राइवर्स हैं उनका चेकअप, सब कुछ इंक्लूडेड था। ओला का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है, को फाउंडर और CEO जो है भाविश अग्रवाल हैं, जबकि फोनपे का जो हेडक्वार्टर है ये भी बेंगलुरु कर्नाटक में, इसके CEO समीर निगम है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसके अंदर कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से भारत की इकोनॉमी को नॉर्मल अपने ट्रैक पर लाने के लिए, जो किसी वजह से कोरोना वायरस की वजह से डूबती जा रही है। तो अगली न्यूज आती है इसी प्रकार से, फिनो पेमेंट बैंक लॉन्च करता है भविष्य नाम का सेविंग अकाउंट माइनर्स के लिए, 10 से 18 साल के बच्चों के लिए। ये जो फिनो बैंक लिमिटेड है इसमें द्वारा जो भविष्य है जो एक तरीके से चलाया जाएगा, ये एक सेविंग अकाउंट होगा। ये सेविंग अकाउंट कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगा, जैसे कि एक तरीके से KYC के थ्रू इसे एक्टिवेट किया जा सकता है। जब बच्चे बड़े होंगे तो ऑटोमेटिकली ये मैच्योरिटी वाले अकाउंट में चेंज हो जाएगा। इसके अंदर आपको डेबिट कार्ड मिलेगा जिसको आप यूज कर सकते हैं। एनुअल चार्ज जो होगा 349 रुपीज होगा, जिस इंक्लूडिंग GST और सारी फैसिलिटीज होंगी। इसके अंदर माइनर के पास में मोबाइल नंबर होना जरूरी है ताकि उसकी सिक्योरिटी हो, और इसमें पेरेंट्स के नंबर जो होंगे वो ऐड होंगे, लेकिन मेन रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पिता का होगा। चिल्ड्रन जो कि अटेन कर चुके हैं 18 साल में, उसे दोबारा से KYC करा के उसे पूरी इंफॉर्मेशन अपडेट करानी पड़ेगी। इसके अंदर आधार कार्ड फैसिलिटी भी ऐड करानी पड़ेगी तभी इसको यूज किया जा सकता है फाइनेंशियल और ट्रांजैक्शन किसी भी प्रकार के लिए। ये ATM मशीन की तरह अलाउ किया जा रहा है, धीरे धीरे ये फर्दर
आगे फैसिलिटीज भी देगा। एक बार में आप मंथ में 5 बार फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मैक्सिमम अभी जो हाउस इसकी लिमिट रखी गई है 50,000 रखी गई है, ताकि पेरेंट्स इसका मिसयूज ना करें और अपने टैक्स को बचाने की कोशिश ना करें। इसके अंदर मेजर बेनिफिट्स क्या है? मेजर बेनिफिट्स ये है कि बच्चे को सब्सिडी जितना भी अमाउंट मिलता है डायरेक्ट उनके अकाउंट में मिलेगा। इसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी कवर भी मिलेगा, जो कि अलग अलग डेबिट कार्ड की फैसिलिटी के अंदर 1,00,000 रुपए के कवर तक का एक्सेप्ट किया जाएगा। आधार सीडिंग फैसिलिटी मिलेगी, जिसके अंदर बच्चा स्कॉलरशिप प्राप्त करेगा तो डायरेक्ट बेनिफिट अकाउंट में मिलेगा। कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। एक्सेस होगी अवेलेबिलिटी के साथ मोबाइल बैंकिंग के द्वारा, ताकि वो और अच्छे से जान सके कि वो कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से पैसे को यूज कर रहे हैं, ये आप अपनी मर्जी से देख सकते हैं। कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, SMS फैसिलिटी, ये सब कुछ मिलेगा। अब वो डिपॉजिट कर सकते हैं 1 महीने तक 25,000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में 25,000 रुपए तक जमा कराए जा सकते हैं। याद रखना है, ये जो इनिशिएटिव है अकाउंट का, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और धीरे धीरे अदर स्टेट्स में फैलेगा। ये बैंक जो है लाइकली टू ओपन 1,00,000 अकाउंट खोलेगा फाइनेंशियल ईयर 2021 तक। हेडक्वार्टर जो है महाराष्ट्र के अंदर है, MD और CEO ऋषि गुप्ता है। अगली न्यूज इसी तरीके से आती है, करूर वैश्य बैंक, एक वैसे ज्यादा बड़ा बैंक नहीं है लेकिन फिर भी करूर वैश्य बैंक टाइप करता है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में, ताकि बैंक और इंश्योरेंस दोनों मिलके बैंक का इंश्योरेंस बन जाए। बैंक का इंश्योरेंस मतलब बैंक का इंश्योरेंस बन जाए। 2020 के अंदर 6 जुलाई को ये फाइनली किया गया। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है भारत का, जो हाथ मिलाता है स्टार हेल्थ अलाइड इंश्योरेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ में, ताकि अपने इंश्योरेंस प्लान्स भी बेच सके, प्रोडक्ट को भी सेल कर सके। इससे पहले ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। अब अगर बात करते हैं बैंक का इंश्योरेंस पैक्ट के बारे में, तो एज पर द पैक्ट KVB यानी करूर वैश्य बैंक जो होगा अपनी रेंज को बढ़ा रहा है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज को ऐड कर रहा है, जो धीरे धीरे 780 जो कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, जो स्टार हेल्थ है उसके 780 ब्रांचेस के थ्रू जुड़ेगा। इसका एडिशन की बात की जाए तो सारे के सारे बैंक कस्टमर्स जो होंगे एक्सेस पाएंगे बाकी फैसिलिटीज का, वैल्यू एडेड सर्विसेज, स्टार वेलनेस और जो भी उनकी हेल्थ फैसिलिटीज है उनके द्वारा। करूर वैश्य बैंक की बात की जाए या करूर वैश्य बैंक की बात की जाए, तो इसका हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु के अंदर है। प्रेसिडेंट और सी जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं इसके नटराजन जगन्नाथन है। टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक का। हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है और मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद रॉय के अंदर। इसके बाद आता है डिसूच बैंक एंड गूगल क्लाउड टू एंटर इनटू अ मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये डिसूच बैंक जो है मिलता है गूगल क्लाउड के साथ, एक प्रपोज्ड आइडिया है कि वो एक साथ मिलते हैं मल्टी ईयर पार्टनरशिप के लिए। ये फोकस करेंगे रीडिफाइनिंग के लिए, अपने आप को डेवलप करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, जो आज तक ये पुराना सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर नए बदलाव लाएंगे, ताकि इन्हें और अच्छी बैंक फैसिलिटीज मिल सके। जो पार्टनरशिप है ये को इनोवेटिंग है बिटवीन टू कंपनीज टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैंने बताया नई जनरेशन होगी, ताकि प्रोडक्ट्स मिले कस्टमर को और डिलीवर मिले, क्लाउड सर्विस मिले, ताकि उनका डेटा सेफ रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए और इनकी टेक्नोलॉजी में भी इंप्रूवमेंट आए। अगर की इंफॉर्मेशन की बात की जाए अबाउट द पार्टनरशिप, इनकी बेसिक पॉइंट्स की बात की जाए, तो दोनों ने साइन किया है एक लेटर ऑफ इंटेंट और प्लान कर रहे हैं आगे मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट को। शॉर्टली अभी साइन किया नहीं है, कर रहे हैं। इसके अंदर जनरेट होंगे दोनों की सपोर्ट से 1 बिलियन यूरोज यानी USD की बात करें तो 1.13 बिलियन, ताकि अर्निंग बढ़े और इनकम एंड टैक्स दोनों पर 10 साल का जो एक्यूमुलेशन हो आगे 10 साल का आगे ध्यान दिया जाए, रिबेट्स मिले। द डील इज अ पार्ट ऑफ $13 बिलियन यानी USD की बात करें 14.17 बिलियन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट है, जो कि प्लान की जा रही है 2022 तक, जिसमें रीस्ट्रक्चर करना है, खुद को रिकवर करना है फर्दर लॉसेस के लिए। इसका बैकग्राउंड की बात की जाए तो बिगिनिंग 2020 की जब थी तो इन्होंने इनवाइट की थी, बिड्स लगाई थी गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन हो गया, ताकि ये आगे इस फ्रेगमेंटेड टेक्नोलॉजी नेटवर्क में बढ़ सके। अब इसके अंदर डिसूच बैंक का हेडक्वार्टर जो है फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर है। CEO क्रिश्चियन सीविंग है।
प्रेसिडेंट जो है कार्ल वॉन रोहर है, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट के अंदर, और सीईओ जो है सुंदर पिचाई है। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लॉन्च कर रहा है लिबर्टी एश्योर एंड इंडस्ट्रीज फर्स्ट सर्विस, एक पहली सर्विस जो इंडस्ट्री बेस होगी। इसकी बात करें तो अब लिबर्टी जनरल लॉन्चेस लिबर्टी एश्योरेंस एंड इंडस्ट्री फर्स्ट सर्विस, द ऑटो इंश्योरेंस कस्टमर के लिए है जो कि अवेल कर पाएंगे सर्विसेज को। इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है पे करना जो भी डिडक्टिबल कॉस्ट होती है हर क्लेम में देने की, वो अब जरूरत नहीं है। नो प्रीमियम विल बी चार्ज फ्रॉम बायर्स टू प्रोवाइड दिस यूनिक कॉस्ट इफेक्टिव फीचर्स एट द टाइम ऑफ रेजिंग क्लेम्स और लॉसेस। कई बार क्या होता है कि हमारी गाड़ी में नुकसान होता है, नुकसान होने के बाद एक्सीडेंट या कुछ प्रॉब्लम होती है, गाड़ी के लिए हम शोरूम में जाते हैं, इंश्योरेंस को दिखाते हैं, तो अब प्रॉब्लम क्या आती है कि इनडायरेक्टली वी हैव टू पे अमाउंट, एक अमाउंट पे करना पड़ता है, अमाउंट पे करना पड़ता है जबकि हम ऑलरेडी जो है इंश्योरेंस कर चुके हैं, उसके बावजूद स्टिल वी हैव टू पे सम अमाउंट। अब उसके लिए अब जो उस अमाउंट के अंदर डिडक्टिबल कॉस्ट है वो पे करनी जो थी वो उसकी अब आवश्यकता नहीं होगी, इसमें कंपलसरी डिडक्टिबल नॉट रिक्वायर्ड हो गया है। द सर्विस इज अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्राइवेट कार, यानी ये आपकी प्राइवेट कार के लिए है, पब्लिक व्हीकल्स के लिए नहीं है। पैकेज पॉलिसी अंडर द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स अप्रूवल रिसीव्ड फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्राइवेट कार का मतलब जो प्राइवेट कार अगर टैक्सीज में या किसी भी प्रकार से प्राइवेट व्हीकल्स के लिए ये अप्लाई किया गया है जिसका एक मालिक है, सरकारी जो सरकार का जो सेक्शन है सरकारी बसेज है उनके लिए अब ये नहीं है। अब अगर बात करें एडिशनल बेनिफिट्स की तो सर्विस वारंटी भी मिलेगी जिसमें सारे डिफेक्ट्स कवर होंगे, रिपेयर्स होंगे, सारे एक्सीडेंटल व्हीकल्स के ऊपर ये लागू होगा। अब बात करते हैं द कंपनी प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क PPN वर्कशॉप विल मेक सच अ लॉस गुड बाय प्रोवाइडिंग अ रिक्वायर्ड रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्ट एट नो कॉस्ट। किसी भी प्रकार से एक नेटवर्क बनाए जाएंगे वर्कशॉप्स के ताकि ये वहीं पर गाड़ी जाए और जो इनके रजिस्टर्ड नेटवर्क्स होंगे उनके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो और सारे के सारे डिफेक्ट्स कवर किए जाएं। सर्विस वारंटी जो होगी विल बी अवेलेबल अप टू 6 मंथ, 6 महीने के लिए होगी, 10,000 किलोमीटर तक की इफेक्टिव होगी। नई गाड़ी के लिए है ये, नई गाड़ी के लिए है, पुरानी गाड़ियों के लिए अभी फैसिलिटी नहीं है। इफ द कस्टमर अवेल द रिपेयर ऑप्शन एट लिबर्टी PPN वर्कशॉप दे विल गेट सम फ्री वैल्यू एडेड सर्विस पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी एक्सटीरियर कार वॉशिंग अमंग एंड अदर थिंग्स। एलिजिबिलिटी की बात की जाती है तो कस्टमर हु इंटीमेट देयर व्हीकल ऑन डैमेज पार्शियल लॉस क्लेम अंडर प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी जुलाई 2003 से दिसंबर 2020 तक, यानी वही 6 महीने का टाइम पीरियड हो गया है, विल बी एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट्स, बेनिफिट को पाएंगे और यूनिक फीचर्स मिलेंगे जैसे मैंने आपको बताया। ये अवेलेबल अभी फिलहाल दिल्ली, NCR, बेंगलोर, अहमदाबाद, जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और चंडीगढ़ के अंदर है। फर्दर इसे आगे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, अभी सिर्फ 8 लोकेशन पर है। कंपलसरी डिडक्टिबल में क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, इंजन की कैपेसिटी के आधार पर जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड होंगी। अबाउट लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, मुंबई के अलावा CEO जो होल टाइम डायरेक्टर हैं इसके रूपम अस्थाना है। इसके बाद में अगली न्यूज आती है, सीजू कुरुविले जॉर्ज अपॉइंट होते हैं सेंटर में कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्निकल पॉलिसी। इसके बात की जाए तो स्टार्टअप विलेज एंड फाउंडर टू रीथिंक फाउंडेशन हैज बीन सेलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपर्ट कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी लेड बाय हरकेश मित्तल जो कि इसके हेड हैं, वो इसे चलाएंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। स्टिप की बात की करते हैं कि भाई ये स्टिप 2020 क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 एक फॉर्मेशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। पहली बार ये ध्यान दिया जाए कि ये 5th साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी है भारत का। ये सीजू किरविले हैं जो ओनली मेंबर, अकेले मेंबर हैं 8 मेंबर्स की टीम में से जो केरला से हैं। अब इस कमेटी के अपडेटिंग की बात करें तो 2003 पॉलिसी के आधार पर इसे अपडेट किया गया है ताकि एनकरेज किया जाए साइंटिफिक इनोवेशन को। ये पॉलिसी जो है चेंज करेगी एरियाज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूडिंग स्पेस, हेल्थ, एटॉमिक फिजिक्स आर कंसीडर्ड। सीजो एक पार्ट है, सीजो इज अ पार्ट ऑफ एन एक्सपर्ट कमिटी, सीजो जो है पार्ट है पॉलिसी मेकिंग के हिस्से रहे हैं। जो एक्सपर्ट कमिटी है रिकमेंड करती है विल बी प्रेजेंटेड इंप्लीमेंटेड थ्रू स्टेट्स बाय सेकेंड फेज, इंप्लीमेंटेशन बाय वेरियस डिपार्टमेंट
ऑफ यूनाइटेड गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट इज इन थर्ड फेज, और श्रुति सिंह जो स्टार्टअप इंडिया डायरेक्टर हैं कमिटी मेंबर की। दोस्तों ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन आता है इसके अंदर सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन डील करनी बतानी होती है कि इनके क्या स्टेप्स हैं क्या नहीं है। इसमें अभी कोई भी नई चीज होगी तो हम आपको बताते रहेंगे। अगली न्यूज हमारे पास इसी तरीके से आती है सिजू किरुविले की। अब सिजू किरुविले जो है होल्ड करते हैं इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जैसे यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम के अंदर। एडवाइजरी बोर्ड में भी इन्होंने काम किया है कंट्री की स्टार्टअप कंपनीज के अंदर, और इन्होंने स्टार्टअप विलेज इंडिया के अंदर पहली बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी बिजनेस इनकम्बेटर का भी स्टार्टअप किया है। ही इज रेफर्ड एज अ मेगा माइंड, इन्हें मेगा माइंड की तरह माना जाता है एक तरीके से कोचिंग के अंदर। किस नाम से? मलयाला मनोरम के द्वारा। यूनियन मिनिस्टर की बात करें तो हर्षवर्धन है चांदनी चौक न्यू दिल्ली से। डॉक्टर अब गवर्नमेंट अपॉइंट इन जेटी श्रीनिवासन एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ IFSC अथॉरिटी। 6 जुलाई का न्यूज है। गवर्नमेंट अपॉइंट करती है फॉर्मर कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी एंड IAS ऑफिसर इन जेटी श्रीनिवासन एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी फॉर अ 3-year term। 3 साल की टर्म के लिए इन अपॉइंट किया जाता है। IFSCA रेगुलेट करती है सारी फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इन गांधीनगर। अदर मेंबर्स जो हैं ऑफ IFSCA इसे आप पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी के बाद IRDAI यानी कि आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके बाद पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और 2 मेंबर फ्रॉम सेंटर्स हैं। अब अगला बात की जाए अबाउट इन जेटी श्रीनिवासन का, तो इनका जो सिलेक्शन हुआ है 1983 के IAS बैच जो कि उड़ीसा कैडर के अंदर है। रिटायर्ड कोऑपरेटिव ऑफिस अफेयर सेक्रेटरी हैं। 31 मई को इनका सुपर एनुएशन हुआ था। ही हैज ऑल्सो सर्व्ड एज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स एंड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइन, जो कि ध्यान देते हैं जितनी भी खेलों की गेम्स की अलग अलग चीज़ों को, रूल्स रेगुलेशंस को, टर्म्स को। अब अगर बात करते हैं IFSCA की तो यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, सेटअप बनाया है 27 अप्रैल 2020 को। इट विल एक्ट एज यूनिफाइड अथॉरिटी टू रेगुलेट करेगी सारी फाइनेंशियल सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। इसके अंदर जो एक्ट लगाया गया है सर्टेन प्रोविजंस के बाद वो है एक्ट 2019 इन रिलेशन टू इट्स फंक्शनिंग, की कैसी फंक्शनिंग है। इसके अलावा पूरी की पूरी पावर्स जो दी जाएंगी इस एक्ट के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी इनको। इसी के अंदर सिंगल विंडो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, अलग अलग जगह परेशान नहीं होना पड़ेगा, एक ही जगह पर सारी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी और सारा काम यहाँ पर पॉसिबल है। मेन फंक्शनिंग क्या है इसकी? रेगुलेट करेगा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सच एज सिक्योरिटीज, डिपॉजिट, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट वर प्रीवियसली अप्रूव्ड बाय एनी अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी ऑफ द IFSCA। नोट करना है, ध्यान देना है, अकॉर्डिंग टू द एक्ट इसके रेगुलेटरी में सेबी, RBI, IRDAI, ये मैं नाम आपको बता चुका हूँ, हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात के अंदर। अब अगला पॉइंट आता है MCA एक्सटेंड करता है टेन्योर ऑफ जस्टिस जो कि रिटायर्ड हैं जस्टिस बंसीलाल भट्ट एज एक्टिंग चेयरमैन ऑफ NCLAT बाय 3 मंथ। 3 महीने का इनका जो टेन्योर है बढ़ा दिया गया है। NCLAT का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल बाय 3 मंथ, इफेक्टिव होगा 15 जून से। ही वॉज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरमैन ऑन 15 जनवरी आफ्टर जस्टिस SK मुखोपाध्याय कंप्लीटेड हिज टर्म इन द ऑफिस। बंसीलाल एक और भी पोस्ट होल्ड करते हैं और वो पोस्ट है जुडिशियल का, मेंबर जुडिशियल ऑफ एपिलेट ट्रिब्यूनल का। इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है हेल्ड बाय बंसीलाल, तो बंसीलाल जी के द्वारा बहुत सारी पोस्ट इन्होंने हेल्ड करी है अपने पूरे के पूरे अंतराल में। जैसे इन्होंने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट की तरह काम किया है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तरह जम्मू और श्रीनगर, पूंछ, रेसी और कठुआ सेक्शन के अंदर। इन्होंने 2 साल का काम स्पेशल जज के लिए एंटी करप्शन जम्मू और कश्मीर के अंदर फिर से किया है। CBI में भी इन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है। इनको अपॉइंट किया गया था एडिशनल जज हाई कोर्ट जम्मू और कश्मीर का 2013 के अंदर, परमानेंट जज बना दिए गए थे 2014 में। इसके बाद इन्होंने स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जम्मू और कश्मीर के जो भी आपस की स्टेट कंज्यूमर के डिस्प्यूट रिड्रेसल है उधर भी काम किया 2016 के अंदर।
एंड रिजाइंड आफ्टर 19 डेज के बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया। ही वॉज अपॉइंटेड एज जुडिशियल मेंबर इन द न्यूली सेटअप आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच। इन्होंने यहां भी काम किया है चंडीगढ़, शिमला, जयपुर और दिल्ली के अंदर, चूंकि इनकी अलग अलग ब्रांचेस हैं। इन्होंने रिजाइन कर दिया था फ्रॉम द पोजीशन आफ्टर ही वॉज अपॉइंटेड एज अ जुडिशियल मेंबर ऑफ नेशनल कमिटी लो एपिलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT के द्वारा 2017 में ही। अगर बात करें NCLAT की तो इसके अंदर 410 सेक्शन आते हैं। कंपनी एक्ट आता है 2013 जिसके अंदर हियरिंग होती है अपील की अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की। इट ऑल्सो हियर्स ये और भी चीजें सुनता है जैसे कि ऑर्डर पास हुआ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, किसी भी प्रकार की बैंकरप्सी हो, इनसॉल्वेंसी हो, जो कि आएगी इसी के अंदर। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है, इंडिया के अंदर। जयंत कृष्णन अपॉइंट किए गए हैं पहले इंडिया के CEO। किस चीज के बीच में? यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल के CEO अपॉइंट किए गए हैं जयंत कृष्णन। 3 अगस्त 2020 से अपने ऑफिस के अंदर ये शुरुआत करेंगे। सक्सीड हुए हैं CEO रिचर्ड हेल्ड के द्वारा। रिचर्ड हेल्ड जो हैं चार्ज लेंगे चेयरमैन का, कहाँ का? चेयरमैन ऑफ द ग्रुप फ्रॉम 1 सितंबर 2020 सक्सीडिंग लॉर्ड डेवियस, जो कि आगे की फरन जो इस समय करंट चेयर है उसको लेंगे। लॉर्ड डेवियस जो है एब्सॉर्च विल अज्यूम द पोजिशन ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ UKIBC न्यू सीनियर लीडरशिप। यानी कि एक एक पोस्ट तीनों की बढ़ा दी गई है, एक एक पोस्ट तीनों अपर चले गए हैं। जयंत कृष्णन जो है स्किल इंडिया मिशन जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया था वेरियस इनिशिएटिव प्रोग्राम्स के अंदर, ही वॉज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑपरेशन ऑफिसर ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। इन्होंने मेजर रोल प्ले किया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के अंदर जो कि 20 साल से ज्यादा का समय प्रोवाइड किया है। चेयरमैन लॉर्ड डेवियस हैं ऑफ एबरसॉच ग्रुप, CEO है रिचर्ड हेल्ड चेयर डेजिग्नेट, न्यू CEO अब जो बने हैं न्यू ग्रुप CEO जयंत कृष्णन है जो कि 3 अगस्त से पोस्ट संभालेंगे। अब आता है पॉइंट ICMR और NIV के कोलैबोरेशन से भारत बायोटेक डेवलपमेंट ने पहली बार COVID-19 की वैक्सीन बना ली है जिसका नाम रखा गया है कोवैक्सिन। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कोवैक्सिन के लिए। जो न्यूज़ क्या है कि इन्होंने मेडिसिन बना ली है और मेडिसिन को काफ़ी बार टेस्टिंग करके देखा जा चुका है अलग अलग लेवल्स पर। बायोसेफ्टी लेवल 3 के लेवल पर भी इसको टेस्टिंग की गई है, मैन्युफैक्चर किया गया है। इसके अंदर SARS-CoV-2 की मेडिसिन मिलाई गई है, चेकिंग किया गया है और चेकिंग करने के बाद 29 जून 2020 को इसके सारे ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं। इस वैक्सीन को लॉन्च किया जाएगा 15 अगस्त 2020 को इंडिपेंडेंस डे के अंदर और इसकी टेस्टिंग जारी है। जहां जहां पर इसकी टेस्टिंग हो रही है वहां कामयाबी हासिल हो रही है। 12 हॉस्पिटल अक्रॉस द इंडिया जो कि काम कर रहे हैं इस टेस्टिंग के अंदर, इसके प्रोसेस के अंदर। कोरोनिल जो रामदेव बाबा के द्वारा चलाई गई मेडिसिन थी उसका रजिस्ट्रेशन गलत था, इस वजह से वो फ्लॉप हुई। रजिस्ट्रेशन उसका जो कराया गया था वो कराया गया था खांसी जुकाम बुखार की दवाई के लिए और प्रेजेंट किया गया COVID-19 की मेडिसिन के लिए, जो कि गलत था, जो कि बाद में प्रूव हो गया। लेकिन इस मेडिसिन के साथ ऐसा नहीं है, ये बेसिकली सारे टेस्ट को पूरा कर रही है। इस ट्रायल का जो एम है वीकन करेगा वायरस को ताकि इन्फेक्शन को कम किया जा सके, इम्यूनिटी बूस्ट हो और इंसान की इम्यूनिटी पर इफेक्ट ना पड़े। अभी जो है नॉर्मल व्यक्ति जो है 5 से 15 लाख रुपए का खर्चा कर रहा है मिनिमम एक हॉस्पिटल के अंदर बीमारी के आधार पर, लेकिन इस मेडिसिन के आने के बाद काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। 13 जुलाई को जो एनरोलमेंट हुआ ट्रायल का ये अंडर हुआ है डॉक्टर बलराम भार्गव के अंदर। इन्होंने ICMR के आधार पर इसे अलॉट किया है जिसके सारे ट्रायल साइट्स उनको चेक किया है और 7 जुलाई 2020 तक इनको एनरोल किया है। अब इस लॉन्च को 15 अगस्त को किया जाएगा। अब आती है बात चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कृष्णा एम इला, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कृष्ण मोहन, हेड ऑफिस है इसका हैदराबाद तेलंगाना के अंदर, डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गवा, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है ICMR का। वेस्ट बंगाल ने सेल्फ स्कैन डॉक्यूमेंट का एक ऐप बनाया है, बहुत ज़बरदस्त ऐप बनाया है। अभी सिर्फ अंग्रेजी भाषा के अंदर है, धीरे धीरे हिंदी और अदर भाषाओं में आएगा जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। कोई कुकी या कोई भी चीज़ जो स्टोर होगी यानी कोई भी डेटा स्टोर होगा वो बैकअप का फ़ोन में ही होगा, अलग से कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। हैंड रिटन आप खुद ही अपने डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ स्कैन कर सकते हैं, इसे आप Amazon ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
सकते हैं। एप्लीकेशन स्टोर सैमसंग एप्लीकेशन स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बीटा वर्जन का यूज किया गया है, कैपिटल कोलकाता और गवर्नर जो है जगदीप धनखड़ है। अगला पॉइंट आता है इंडियन बॉक्सर अमित पंघल जो सिक्योर करते हैं टॉप स्पॉट AIBA वर्ल्ड मेंस रैंकिंग 2020 के अंदर 52 किलो की कैटेगरी के अंदर। इसी प्रकार से मंजू हैं वर्ल्ड की सेकंड बॉक्सर जो हैं वो वेमेन बॉक्सिंग रैंकिंग में स्पेस प्राप्त करती हैं। अच्छा, और ये जो इसकी की हाइलाइट्स हैं जिसके अंदर ओलंपिक चैंपियनशिप सखोबुद्दीन जेरोव उज्बेकिस्तान के अंदर हुई थी। उज्बेकिस्तान के अंदर ही इज द ओनली बॉक्सर इन द करंट रैंकिंग इन बोथ कैटेगरी। ये अकेला बंदा है बोथ कैटेगरी के अंदर। अर्लियर इन फरवरी 2020 इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमिटी थी बॉक्सिंग टास्क फोर्स की, इन्होंने रिलीज की वर्ल्ड रैंकिंग जिसके अंदर अमित पंघल फिनिशिंग फर्स्ट ड्यू टू AIBA's disbandment। यहाँ पर ये पूरी की पूरी लिस्ट है, आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। ऊपर वाली मेन की रैंकिंग है, नीचे वाली वेमेन की रैंकिंग है जिसमें पूरी की पूरी जानकारियाँ दी गई हैं। अगला पॉइंट अगर बात करें तो AIBA का हेडक्वार्टर लुजियाना स्विट्जरलैंड के अंदर है। प्रेसिडेंट जो है गफूर राखीमोव है। अगर बात करते हैं अगली पॉइंट की तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अडॉप्ट कर रही है नई विजुअल आइडेंटिटी, यानी कि इनके अब लोगोज चेंज हो गए हैं। लोगो चेंज हुए हैं जो कि पिछले 100 सालों में अंग्रेजों के टाइम पीरियड से चलते आ रहे थे। अंग्रेजों के टाइम पीरियड से जो लोगो चलते आ रहे थे, अब इसके अंदर आपको तिरंगे की छाप देखने को मिलेगी। अभी तिरंगे की छाप देखने को मिलेगी और इसकी जो परमिशन है ये भी जो लॉन्च होगा ये 15 अगस्त 2020 को लॉन्च होगा इंडियन ओलंपिक के अंदर। इसके अंदर पूरा का पूरा तिरंगा दिखाई देगा जिसके अंदर भारत का प्राइड गर्व डिग्निटी हार्डवर्क जो एथलीट्स का है उनकी मेहनत है ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। तो एक ही तरीके से यूनिक आइडेंटिटी मिलेगी भारत के लोगों को ओलंपिक गेम्स के अंदर। एग्जिस्टिंग लोगो जो है जैसे कि जिसके अंदर स्टार ऑफ इंडिया है ये ब्रिटिश पीरियड के अंदर बनाया गया था, जाहिर सी बात है उस समय में इतनी हमारी नहीं सुनी गई होगी। इसके प्रेसिडेंट जो है नरेंद्र ध्रुव बत्रा है, सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता, हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। अब अगली न्यूज काफी सोचने लायक है। सोचने लायक क्या है कि अब बहुत सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने धीरे धीरे जॉब्स को रिजर्व कर दिया है कि हरियाणा की जॉब्स 75% हरियाणा के लोगों को ही मिलेगी। 75% रिजर्वेशन जो होगा हरियाणा के लोगों को ही मिलेगा, बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा। बाहर के लोगों के लिए आरक्षित जगह जो है सिर्फ 25% की रखी गई है। इसके अंदर LLP जो भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की फर्म्स हैं, जो भी सोसाइटीज़ हैं, कंपनीज हैं, जो भी रजिस्टर्ड हैं, उन सभी को अपनी डिटेल देनी पड़ेगी जिसके अंदर 10 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज़ हैं, 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जिस कंपनी के अंदर, वो इस एक्ट में आएंगे और उन्हें 75% जगह जो है अपने हरियाणा के लोगों को ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके अंदर उन्हें डोमिसाइल एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपनी कंपनी का रजिस्टर करवाने के बाद, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो डॉक्यूमेंट भी सबमिट कराए जाएंगे, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कराए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, हरियाणा के लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और दूसरा पॉइंट क्या आता है यहाँ पर कि इसके लिए पनिशमेंट एक्ट भी रखा गया है 25,000 रुपये का। 25,000 रुपये का किसके लिए? 25,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक का Section 3 के अंदर, इस एक्ट के अंदर लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 पास किया गया है, जिसके अंदर क्या किया गया है 2020 के अंदर 25,000 से 1,00,000 रुपये तक का Section 3 के अंदर यहाँ पे स्टेट एम्प्लॉयमेंट रखा गया है लोकल कैंडिडेट्स के लिए। अब अगर बात करें तो इसके अंदर लॉज काफ़ी स्ट्रिंजेंट हैं, जो भी इस इंफॉर्मेशन को हाइड करेगा वो बहुत ज़्यादा पछताएगा, नुकसान होगा और इसका बेनिफिट वहाँ के सूटेबल लोगों के लिए भी होगा। इस बीच में कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी के द्वारा अपना इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है कि कितने लोगों को ये फैसिलिटी मिली है। ये कोटा जो है JJP के द्वारा, जननायक जनता पार्टी के द्वारा, दुष्यंत चौटाला के द्वारा दिलवाया गया है, जिसमें 10 सीट प्राप्त की हैं और BJP के साथ समर्थन में पार्टी बनाई हुई। कैपिटल चंडीगढ़ है, गवर्नर जो है इसके सत्येंद्र नारायण आर्य हैं। अगली न्यूज़ ऐसे ही महाराष्ट्र के साथ भी आती है, जहां महाजॉब पोर्टल चलाया गया है। महाजॉब पोर्टल क्या है? उद्धव ठाकरे ने लॉन्च किया है महाजॉब पोर्टल, जिसकी साइट आप यहां से देख सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब सीकर्स को, जिसके अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट वही होगा, सबमिट कराना पड़ेगा ताकि इंडस्ट्रीज को आसानी से लोकल बंदे मिल पाए अपने सेक्शन के अंदर। इसके अंदर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड एम्प्लॉयर्स की डिटेल बनाई जाएगी, प्लस कंपनीज की डिटेल रखी जाएगी, जहां पर किसी भी प्रकार से रिक्वायरमेंट होगी तो डायरेक्टली इस पोर्टल से
इनवाइट किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है जॉब सीकर्स का, जिनको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे, डोमिसाइल सबमिट कराने पड़ेंगे और जो बेसिक रिक्वायरमेंट या टैलेंट है उनके भी सर्टिफिकेट डिपॉजिट कराने पड़ेंगे ताकि जब जॉब मिले या जॉब आउट हो तो सबको पता चले। इसके अंदर पोर्टल के थ्रू इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल के अलावा 17 सेक्टर्स को जोड़ा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा जॉब लीगल मेथड में आए विदाउट किसी प्रॉब्लम के। अभी तक क्या होता है कि जॉब पोर्टल के आधार पर जो वैकेंसीज निकलती हैं इसके अंदर भारी मात्रा में पैसे की आवश्यकता होती है, पैसा मांगा जाता है और एंड में ये फेल हो जाते हैं, लेकिन अब इसके पीछे ऐसा नहीं है। कोविड-19 की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, इसी वजह से इसका अप्लायन किया गया है। इसके अंदर मुंबई, इसका जो कैपिटल है मुंबई है, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। सीएम योगी ने मिशन वृक्षारोपण 2020 के अंदर 25 करोड़ बीजारोपण चलाया है। बीजारोपण यानी कि 25 करोड़ बीज लगाए जाएंगे ताकि पेड़ पौधे उगाए जाएं। 5 जुलाई को अनाउंसमेंट की गई थी जिसके अंदर पूरे यूपी के अंदर 25 करोड़ बीज लगाए जाएंगे जिसमें 201 प्रकार की स्पीशीज होंगी, जिसमें दवाइयों की स्पीशीज होंगी, एनवायरमेंटल थिंग्स होंगी, फ्रूट प्रोडक्टिंग होगी, फ्रूट प्रोड्यूसिंग होगी, शेडी होंगी, फॉडर प्लांट्स होंगे और सभी चीज़ें इसमें ऐड ऑन होंगी। इन सभी का मेन पर्पस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली हो, पॉल्यूशन कम हो। पॉल्यूशन के अलावा जो बार बार जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है बायोडाइवर्सिटीज़ की, जिसके अंदर बार बार माल न्यूट्रिशन की और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन सभी पर फोकस करें और दिक्कतों को कम करें। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, कैपिटल लखनऊ है। वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी इसके अंदर सपोर्ट करेंगी, जिसके अंदर दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व है, चंद्र प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल चंबल सेंचुरी है, पीलीभीत वाइल्ड सेंचुरी है, न्यू नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ओखला बर्ड सेंचुरी, सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें हिस्सा लेंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने टूरिस्टों को इनवाइट करने के लिए आपका इंतज़ार नाम का सोशल मीडिया कैंपेन चलाया है। सोशल मीडिया कैंपेन के अंदर आपका इंतज़ार का मतलब ये होता है टूरिस्टों को अट्रैक्ट करने के लिए, अलग अलग प्रकार से टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स दिखाए हैं, जिसमें ये दिखाना चाहते हैं कि वी आर वेटिंग फॉर द टूरिस्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैकेजेस दिए जा सकें। मध्य प्रदेश जो टूरिज्म बोर्ड है ये प्रोवाइड कर रहा है पैकेजेस ताकि टूरिस्टों को आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, सेफ गार्ड प्रोवाइड हो, अच्छा एकोमोडेशन हो, घूमने फिरने की जगह अच्छी मिले। मध्य प्रदेश की तरह ही महाकालेश्वर, पंचमढ़ी, कान्हा, ये अलग अलग जगहों पर ये जो है सुविधा मिलेगी, अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस पर जाने की आराम से सुविधा मिलेगी। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसमें फूड डिलीवरी को ध्यान दिया गया है और भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, मतलब पूरा का पूरा मध्य प्रदेश लग गया है टूरिस्टों को इनवाइट करने के लिए। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में टूरिस्टों की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा आता है। अब कोविड-19 की वजह से सारा टूरिज्म का नुकसान होता जा रहा है, इसको आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हर राज्य सरकार मेहनत कर रही है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और कैपिटल भोपाल इसका है। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारे द्वारा कल की जितनी भी, दोस्तों हमारा वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाता है, शॉर्ट एनालिसिस के साथ में हम सारी डिटेल लिख कर देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसकी PDF यदि डाउनलोड करना हो तो करंट अफेयर बाय के मोहन सर की टेलीग्राम ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी ये सारी चीज़ें आपके किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।